आप सभी का हम लोग के यूट्यूब चैनल एडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नया वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो है गोल्डन वीज़ा के ऊपर। रिसेंटली ये बहुत न्यूज़ में था कि यूएई गोल्डन वीज़ा दिया है संजय दत्त को। संजय दत्त ने अपने ट्विटर हैंडल से इसको जो है साझा किया था, इसकी इन्फॉर्मेशन को। ये देख सकते हैं इंडियन एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है, यूएई गोल्डन वीज़ा व्हाट इज़ एंड हु इज़ एलिजिबल टू अप्लाई, गोल्डन वीज़ा क्या है और कौन इसको ले सकता है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आइए पहले समझते हैं संजय दत्त ने क्या कहा था। उन्होंने कहा था कि मेजर जनरल मोहम्मद अलमारी की मौजूदगी में यूएई का गोल्डन वीज़ा उन्हें मिला है और सम्मान के लिए वो यूएई सरकार का शुक्रगुजार करते हैं। इस वीज़ा से फ़ायदा क्या होगा? इससे ये फ़ायदा होगा कि उनको बार बार वीज़ा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी और गोल्डन वीज़ा पाने के बाद अब वो कम से कम 10 साल तक वहाँ रह सकते हैं। देखिए गोल्डन वीज़ा 2 टेनोर में दिया जाता है, 5 ईयर्स के टेनोर में मिलता है और 10 ईयर के टेनोर में मिलता है। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है ये खाड़ी देश में पड़ता है, वहाँ पर आप लोग जानते हैं क्रूड ऑयल या तेल का व्यापार होता है और तेल से बहुत ज़्यादा पैसा कमाया जाता है। बट अभी देखते हुए भविष्य को कि यह बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल पाएगा तेल का व्यापार, तो इन लोगों ने एक नया प्रोग्राम बनाया है ताकि ये लोग बाहर से इन्वेस्टर्स को, बिजनेसमैन्स को, एक्टर्स को और डिफरेंट डिफरेंट लोगों को, साइंटिस्ट को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। तो इन्होंने इसी सेगमेंट में गोल्डन वीज़ा स्कीम को निकाला है। वीज़ा क्या होता है ये समझिए। सामान्य शब्दों में वीज़ा का मतलब होता है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय रूप से किसी देश में जाकर रहना चाहते हैं कुछ समय के लिए, तो वहाँ आपको उसके लिए वीज़ा लेना पड़ता है उस देश में, यदि वहाँ पर वीज़ा का नियम लागू हो तो। आमतौर पर अगर कहा जाए तो वीज़ा एक व्यक्ति को किसी देश में प्रवेश करने और वहाँ रहने के अलावा और कोई भी तरह का अधिकार नहीं देता है। यानी कि आप वीज़ा लेकर के सिर्फ वहाँ पर जा कर के कुछ समय तक रह सकते हैं जितना देर आपको वीज़ा मिला है। मान लीजिए आप रसिया गए, आप अमेरिका गए या आप कुछ दूसरे देश गए जहाँ पर कि वीज़ा लगता है, फ्रांस गए, तो आपको वहाँ पर उस जाने के लिए पहले वीज़ा लेना होगा और वहाँ जा कर के आप जितने समय के लिए वीज़ा लेंगे उतने समय तक आप वहाँ रह सकते हैं। ऐसा नहीं कोई भी जाएगा आपको तुरंत वीज़ा मिल जाएगा, आपके पास एक स्पेसिफिक वर्क होना चाहिए जिसकी वजह से वहाँ रहने के लिए आपको अनुमति दिया जाए। लेकिन और उसके अलावा कुछ भी अगर आपको वहाँ करना है, जैसे आपको वहाँ पर बहुत समय तक के लिए रहना है, सिटीजनशिप लेना है या वहाँ कार्य करना है, तो उसके लिए आपको अलग तरीके से परमिट की आवश्यकता पड़ती है। वीज़ा से ऐसा नहीं होता है। वीज़ा अगर कहा जाए तो वह दस्तावेज होता है जो व्यक्ति को अन्य देश में प्रवेश करने की अनुमति देता है। तो आप केवल वहाँ जा सकते हैं और वहाँ के नियमों के अनुसार उतने समय तक वहाँ पर रह सकते हैं। जिस काम से आप गए हैं उस काम को करके आपको लौटना पड़ेगा। फिर ये इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम के तहत जो है गोल्डन वीज़ा को लागू किया गया है। यह इमिग्रेंट इन्वेस्टर प्रोग्राम्स जो होते हैं वो इस तरह के प्रोग्राम होते हैं जिसमें कि बहुत तरह से सिटीजनशिप और रहने के लिए नागरिकता प्रदान की जाती है किसी भी देश में उन लोगों के लिए जो कि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, एक क्वालिफाइंग इन्वेस्टमेंट करते हैं, जितना कि वहाँ उस देश को आवश्यकता है उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो उस तरह के प्रोग्राम जो हैं सिटीजनशिप देने के लिए, ऑफर करने के लिए, इन्वेस्टमेंट को बुलाने के लिए या इस तरह के हाइब्रिड के लिए भी किया जाता है। अब समझिए कि दूसरे देश के लोग, मान लीजिए कि यूएई के लोग हैं या यूएई का जो देश है, यूएई देश जो है वह क्यों गोल्डन वीज़ा दे रहा है किसी दूसरे देश के व्यक्ति को, ये क्या है? ये एक तरह का समझिए कि एडवर्टाइजमेंट है। ये अपना एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि देखिए हम आपको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग जो यंग साइंटिस्ट्स हैं, इनोवेटिव साइंटिस्ट्स हैं, इनोवेटर्स हैं, आप पूंजीपति हैं, बिजनेसमैन हैं, ट्रेडर्स हैं, एक्टर्स हैं, आप लोग हमारे यहाँ आइए, हमारे यहाँ आकर के आप काम कीजिए और आपको यहाँ पर हम लोग बहुत एक गुड लिविंग स्टैंडर्ड्स देंगे। और लोगों की अगर ख्वाहिश होगी, अगर रिक्वायरमेंट मीट करती है, तो अधिक से अधिक लोग जो है वहाँ पर जाकर रहेंगे, जो कि हम लोगों के देश के लिए तो अच्छा नहीं है। हम लोग के देश से जो टैलेंट है वो बाहर चला जाएगा। अभी भी देखिए अमेरिका में हम लोग के देश से बहुत ज़्यादा टैलेंट जो है बाहर चला जाता है। लोग जो हैं साइंटिस्ट वगैरह, बहुत सारे साइंटिस्ट इंडिया में अगर रहें तो वो बहुत अच्छा आगे कर सकते हैं। या आप देखिएगा कि इंडियन मूल के जो विदेशी नागरिक होते हैं वह भी बहुत कुछ कर लेते हैं, बहुत कुछ का मतलब कि वर्ल्ड फेम पर बहुत अच्छा पा लेते हैं, क्योंकि उनको यहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड नहीं मिलता है, बहुत तरह की असुविधाएँ मिलती हैं, तो इस कारण से वो लोग ऐसा सोचते हैं वहाँ जाने का। बट अपना देश भारत देश सबसे अच्छा है। संजय दत्त, देखिए इनका ट्विटर हैंडल है @दत्त संजय। इन्होंने यहाँ पर लिखा है ऑनर टू हैव रिसीव्ड अ गोल्डन वीज़ा फॉर यूएई इन प्रेजेंस ऑफ मेजर जनरल मोहम्मद अलमारी। यहाँ पर मेजर जनरल मोहम्मद अलमारी के साथ
ये वीज़ा ले रहे हैं। डायरेक्टर जनरल जीडीआरएफ है दुबई, दुबई शहर के जो डायरेक्टर जनरल हैं वो भी इनके साथ हैं। इन दोनों को ये थैंक कर रहे हैं और यूएई की गवर्नमेंट को भी इस सम्मान के लिए थैंक यू बोल रहे हैं। तो ये यहाँ पर इन्होंने थैंक्स गिविंग किया है अलग अलग जो जो इनमें इनको लगा कहने के लिए, तो उनको यहाँ पर देख सकते हैं ट्विटर हैंडल पर ये फ़ोटो उन्होंने सजा की है। तो ये देखिए क्या है, संजय दत्त को दिया गया है। तो पहले समझते हैं कि ये गोल्डन वीज़ा स्कीम दुबई में क्या है। ये India.com ने भी इसको जो है कवर किया था। गोल्डन वीज़ा स्कीम क्या है? गोल्डन वीज़ा बहुत ऐसा नहीं यूएई में ही शुरू हुआ था, बहुत सारा ऐसा खास देश है जो कि इसको जारी करते हैं, जैसे पुर्तगाल है, ग्रीस है, स्पेन है, माल्टा है, यूएसए है, सेंट किट्स नोविस है, एंटीगुआ बारबुडा है, डोमिनिका है, ये सभी देश गोल्डन वीज़ा को जारी करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि यूएई पहला ऐसा देश है, बट हाँ वो इंडियन फर्स्ट इंडियन संजय दत्त हैं जो यूएई का गोल्डन वीज़ा को पाए हैं, तो इसलिए ये अभी चर्चा में है। दुबई में अगर बात की जाए गोल्डन वीज़ा क्या है दुबई में, तो गोल्डन वीज़ा दुबई में 10 साल का रेसिडेंसी परमिट है। अब मैंने बताया था आपको कि परमिट लेकर के आप वहाँ पर कोई भी तरह का काम कर सकते हैं वहाँ पर, तो ये परमिट इसलिए यहाँ पर बहुत सारे क्लॉज को इसमें मेंशन किया गया है। पहली बार 2019 में 2019 में दुबई के उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और शासक हिज हाइनेस शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मक्तूम द्वारा इन्वेस्टर्स को और बिजनेसमैन को बुलाने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए यह शुरुआत की गई थी 2019 में। तो उस समय जब 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी तो सिर्फ और सिर्फ ये इन्वेस्टर्स और बिजनेसमैन के लिए ही था, लेकिन पिछले साल 2020 में पिछले साल इसके नियमों में बदलाव किया गया, जिसके बाद इसको डॉक्टर के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, वैज्ञानिक साइंटिस्ट के लिए और इस तरह के जो खास इलाइट लोग हैं, इलाइट पर्सनस हैं, उनके लिए इनको जारी किया जाने लगा। 2020 में ही इसमें विशेष डिग्री जैसे कि डॉक्टर हो गया, वैज्ञानिक और इसके साथ प्रोफेशन के लोग जो हैं उनको भी इसके इस्तेमाल की इजाज़त दे दी गई थी, वो लोग भी अप्लाई करके गोल्डन वीज़ा प्राप्त कर सकते हैं। अब इस कड़ी में संजय दत्त जो हैं फॉर्चुनेटली इनको जो है डायरेक्टली ही वहाँ से गोल्डन वीज़ा यूएई सरकार के द्वारा दिया गया है अपने एक्सीलेंट काम के लिए, सिनेमेटोग्राफी या सिनेमा में इनके जो एक्सीलेंट काम है, वर्क है, उस कारण इनको दिया गया है संजय दत्त साहब को। एक तरह से आप कह सकते हैं ये एक एडवर्टीजमेंट है यूएई के द्वारा, ये एक रिनॉन्ड पर्सन को जब अपना सिटीजनशिप दे रहे हैं 10 ईयर्स के लिए, इस तरह का प्रोग्राम गोल्डन वीज़ा दे रहे हैं, तो अदर्स भी जो लोग होंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे और वो भी इस प्रोग्राम की तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे। ये यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे ऐसे देश हैं, कंट्रीज हैं जो गोल्डन वीज़ा देती हैं, जैसे पोर्टुगल, डोमिनिका, आयरलैंड, सेंट लूसिया, वेनातू, एंटीगा बरबुडा, जर्मनी, माल्टा, स्पेन, बुल्गारिया, ग्रीस, मोंटीग्रो, टर्की, सिप्रस, ग्रेनाडा, सेंट किट्स और यूएसए। तो ये सभी देश जो हैं क्या करते हैं, गोल्डन वीज़ा देते हैं। ये देखिए लाडिलास गोल्डन वीज़ास, यहाँ पर बहुत सारे कंट्री के आपको गोल्डन वीज़ा देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ कॉन्टैक्ट कर करके गोल्डन वीज़ा जिसको जो ये लेते हैं, जो लेना चाहते हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं वो जाकर लेते हैं। अगर बात करें यूएई की, तो यूएई ने अपना एक वेबसाइट डेवलप किया इसके लिए, business.goldenvisa.ae, जहाँ पर कि देख रहे हैं आप यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का ये वेबसाइट है जहाँ पर गोल्डन वीज़ा यहाँ पर दिया जा सकता है। आप अगर उस कैटेगरी में आते हैं तो आप यहाँ पर जाकर अप्लाई करेंगे और वहाँ पर से फिर आपको अप्रूवल मिलेगा तो आपको ये गोल्डन वीज़ा दे दिया जाएगा। पर देखिए मेरी तरफ से ये कहना है कि ये जो है हमारे इंडिया के लिए तो अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि यहाँ से जो यंग माइंड होंगे, इनोवेटिव माइंड होंगे, उस तरह के जो अच्छे लोग होंगे वो यहाँ से चले जाएंगे, कहाँ, यूएई चले जाएंगे, तो टैलेंट जो है वो हमारे देश से निकल के बाहर दूसरे देशों में जा रहा है। इसको तो रोकना चाहिए, टैलेंट का पलायन रोकना चाहिए। हमारी सरकार को भी इस तरह का कोई ना कोई प्लान लाना चाहिए इस तरह का, जो कि बाहर के देश के टैलेंट जो है वो भी हमारे देश में आए, क्योंकि हमारे देश के लोग बाहर जा करके बहुत कुछ करते हैं, तो अगर वो हमारे देश में रह करके इस तरह का वर्ल्ड लेवल का काम करें तो वो ज़्यादा अच्छा है। मुझे भी लगता है आप लोग इस बात से एग्री करेंगे। लास्ट में एक कोट है स्वामी विवेकानंद का, जितना कठिन संघर्ष होगा जीत उतनी ही शानदार होगी। आप लोग किसी भी फील्ड में हैं, चाहे स्टडी कर रहे हैं या कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या बिजनेसमैन हैं, तो आप लोग अपने काम को संघर्ष के साथ करते रहिए। हर काम में संघर्ष होता है, छोटे से छोटे काम में, बड़े से बड़े काम में, तो संघर्ष करते रहिए। जितना अधिक संघर्ष होगा, याद रखना है, जीत उतनी ही शानदार होगी। ये एक मोटिवेशन है, इस मोटिवेशन को साथ लेकर के आगे चलते रहना, बढ़ते रहना है।
फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट में दूसरा किसी टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।